आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बैंकों के विलय के विरोध में बैंक वाले आज फिर हड़ताल पर रहे। देश में तकरीबन 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने इस हड़ताल में भाग लिया। इस कारण अधिकांश बैंकों में तालाबंदी रही। पिछले करीब एक हफ्ते में देश की बैंकिंग सेवा काफी प्रभावित रही। 5 दिनों में से एक बार बैंक खुलने के बाद आज फिर देश के बैंक बंद रहे। 21 से 23 दिसंबर को भी बैंकों ने हड़ताल की थी। उसके बाद 24 दिसंबर को बैंक खुले थे। फिर 25 तारीख और आज 26 तारीख की छुट्टी के कारण बैंक बंद रहे। देश के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। 11% 10% ब्याज मिलना चाहिए, आज हम उनको 6.9 दे रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय है क्या? जो अपनी 35-40 साल की कमाई, जिसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाते, वो उतने मेरे जमा हो जाए तो काम आएंगे, उसके बेस पे हम लोन दे रहे हैं डिपॉजिट पे। और मैं कॉमरेड त्रिपाठी साहब से बोलूंगा कि ये कर्ज माफी किसानों की कर रहे हैं, अपने भी हाउसिंग लोन है, पब्लिक के भी हाउसिंग लोन है, ये सरकार माफ नहीं करेगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अपन एक जुलूस बना के यहाँ से चलेंगे, हमारा भी मकान और एजुकेशन लोन माफ किया जाए। सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के मर्जर का फैसला लिया है। कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 8% वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। बैंक कर्मचारी संघों को ये नामंजूर है। बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 2017 से बकाया है। नए साल से ठीक पहले बैंक बंद होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।